हैप्पी बर्थडे लाडो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लाडू का बर्थडे है और लाडू भी बहुत खुश हैं। ये देखिए, अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैं तो काफ़ी टाइम पहले उठ गई हूँ और लाडो अब भी उठ रही हैं और मैं इनका अभी मुंह धुलाकर फ्रेश करके लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ। और ये देखिए, ये इनको बाहर में लेकर खड़ी हूँ, ये बाहर चिड़िया देख रही हैं और मौसम बहुत अच्छा है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है रात को। लाडो, हे लाडो, बात कर लो सज्जन, फटाफट से मेरे लाडो को विश कर दो हैप्पी बर्थडे का। हाय बाय कर रही हैं देखो। और अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, ये देखो लाडो को, लाडो बहुत खुश हैं और सब घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चिड़िया लाडो देख रही हैं, यहीं सामने हैं। और ये देखिए, सोई थी लाडो, रात को पता नहीं क्या काट लिया है मेरे बच्चा के हाथ में, देखिए पूरा सूज गया है। ये देखिए, ये अभी इस पे मैं सैनिटाइज़र लगाई हूँ और बाम लगा दी हूँ। ये देखिए, पता नहीं क्या काट लिए, इतना ज़्यादा सूज गया है, मेरे लल्ला को तकलीफ हो रहा होगा। देखिए बाबू, दुख रहा है, दुख रहा है लल्ला, बात कर लो, ऐसे ऐसे अलग किस्सी दे दो, सबको किस्सी दे दो। तो ये किस्सी दे रही है और आप लोग को आवाज़ आ रहा है कि नहीं चिड़िया का? लाडो यही देखने के लिए बाहर आती हैं और यही पर है छोटी छोटी, वो जो होती हैं कौन सी, गौरैया, छोटी छोटी वही हैं और उसका आवाज़ सुनकर लाडो तुरंत उड़ जाती हैं। तो मैं आप लोग को लाडो को मिला दी हूँ सुबह सुबह। और चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद और लाडो को मैं देखती हूँ इसमें और क्या लगाऊँ जो भी। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा दुख रहा होगा, रेडनेस आ गया है, देखिए पूरा रेड हो गया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद, मैं तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और मैं एक साइड चावल रखी हूँ, एक साइड दाल, और दाल चावल बन गए हैं। इसके बाद मैं इस पर अभी चल रही हूँ बनाने चाय, एक साइड बनाऊँगी और पूड़ियाँ बनाऊँगी, फिर खीर बनाना है, भाजी बनाना है। तो देखिए, चाय भी मैं रख दी हूँ और एक साइड तेल चढ़ा दी हूँ और फटाफट से पूड़ियाँ मैं निकाल लेती हूँ। और मैंने आज रेसिपी नहीं शेयर किया हुआ है, मतलब जैसे मैं हर रोज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि भाजी पूरी और खीर दाल चावल यही बनाई थी। तो इसमें मैंने मतलब रेसिपी टोटल मैंने शेयर नहीं किया है, सिर्फ आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है कि हाँ मैं ये बनाई हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड, जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं फटाफट से पूरियाँ बना लेती हूँ और चाय बन रही है। इसमें आज मैं बना रही हूँ काली मिर्च और लौंग की चाय, और काला चाय है। अभी ये अच्छे से खोल जाएगा, यानी थोड़ा टाइम पक जाएगा, करीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद मैं दूध डालूँगी, दूध डालने के बाद 3 से 4 मिनट पका लूँगी और फिर बहुत ही टेस्टी चाय बन जाएगा। यानी कि चाय, जितने ही अच्छे से चाय पकती है उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है उसमें, उतना ही टेस्टी लगता है चाय। तो चाय बनाना कुछ मतलब कठिन बात नहीं है, बस उसको अच्छे से पकाना रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है चाय में और कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे, उसके बाद हम इसको छानेंगे। चाय बनाना तो बहुत ईजी है, सबको पता है। तो एक साइड पूड़ियाँ भी बन रही हैं और पूड़ियाँ भी बन गई हैं, चाय भी बन गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं खीर चढ़ा दी हूँ और मैं खीर बना रही हूँ, और खीर बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ा ही बना रही हूँ। और मैं ये कैसे बनाई, मैं चावल को भिगा ली हूँ, उसके बाद चावल मैंने ग्राइंड कर लिया है, यानी मिक्सी में डालकर थोड़ा सा दरबरा कर लिया है, यानी वो अखा चावल था, जैसे टुकड़ा रहता है तो वो सही हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, खड़ा रहता है, तो हम उसको थोड़ा सा पीस लेते हैं तो एकदम गाढ़ी और टेस्टी खीर बन जाती है। तो अब मैं इसमें डाल दी हूँ शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ और इसको पकने दूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए, खीर बन गया है और यहाँ पर लाडो तैयार हो गई है और जानवी के पापा, यानी कि लाडो के पापा, लाडो को खिला रहे हैं खीर। आप लोग देख लीजिए, लाडो यहाँ पर खीर खा रही है मज़े से।
नहीं खून आ रहा है। मेरी बेटी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाडो म्याव कहाँ है? उल्ले 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 हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो मेरा सब काम वगैरह ख़त्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे थकान सा महसूस हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से। और आज लाडो का बर्थडे है, आप लोग को तो पता ही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स विश करना मत भूलिएगा। और मैं बाल खुला रखी हूँ, मैं आज बाल धोई हूँ, आज शनिवार है पर इमरजेंसी था धोना, रहता है तो मैं धो लेती हूँ और धो ली हूँ बाल। अभी गीला है इसके लिए मैं जूड़ा नहीं बनाई हूँ। और वो कान का जो मैं आपको दिखाई थी, ये देखिए मल्टी कलर में आज मैं पहनी हूँ और कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये ऐसा मल्टी कलर में इयर रिंग। और पूजा वगैरह मैं नहीं की हूँ, पूजा जानवी के पापा किए थे और वो दो दिन से पूजा वही कर रहे हैं, अभी अगले दो दिन तक भी वही करेंगे, पूजा मैं नहीं करूँगी। और लाडू को खीर वीर बना के मैं, मतलब सभी खाना वगैरह मैं बना ली हूँ और खीर भी लाडू को उनके पापा ही खिलाए हैं, मैं भी खिलाई हूँ बाद में, पर मेन मैं बोली आप ही खिला दो तो वो खिलाए हैं। और भगवान का पूजा वगैरह कर लिए हैं, सब काम हो गया है, बस मैंने कपड़ा नहीं धोया था और पानी नहीं आ रहा था, सब लोग बोल रहे पानी नहीं आएगा पर पानी आ गया है अभी, तो मैं सोची अभी जाके मैं धुल लेती हूँ क्योंकि कपड़ा रख के भी कुछ मतलब नहीं निकलता है, दूसरे दिन बहुत सारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाल में खुला रखी ना, मुझे बहुत अजीब तरह से फील हो रहा है और गीला है और लाइट भी चली गई है तो, और ऐसे बन बना लेते हैं ना गीले बाल में तो जैसे अजीब तरह से स्मेल आने लगता है, इसके लिए ये खुला रखी हूँ मैं, थोड़ा सा सूख जाए तो फिर मैं बना लूँगी ऊपर या फिर चोटी बना लूँगी। और आज का मेरा ये लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। उतना तो मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ पाउडर लगाया, लिपस्टिक और टिकली तो हर रोज़ का है, टिकली सिंदूर कान का पहन लिया है, हाँ इतना बड़ा इयर रिंग ये पहन लिया है, एक ये है हैवी तो। और लाडू की तैयारी की बात करें तो केक आ गया है और केक बहुत मुश्किल से मिला है, जानवी के पापा कल से ही ढूंढ रहे, मैं भी कल गई थी तो नहीं मिला था, बहुत दूर दूर तक ढूंढे, डीमार्ट वगैरह सब जगह कहीं पे भी नहीं मिला, तो अभी फाइनली मिला वो भी स्विगी से, तो लेकर के आए, ऑर्डर किए और लेकर के आए हैं, मैं रखी हूँ। और अभी फुग्गा वगैरह तो नहीं मिला है, वो भी ढूंढने में बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं, मतलब ढूंढने का कल से ही ढूंढ रहे हैं पर कुछ भी नहीं मिल रहा यार, बोल रहे हैं कि अभी ये सब बंद हो गया है, अभी इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है, तो देखते हैं और क्या मिलता है। बाकी जो मेन है वो केक मिल गया है और फुग्गा वगैरह मिलेगा कि नहीं वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी वो वापस से गए हैं, आए थे खाना पीना खा लिए हैं और गए हैं काम पर, वहीं से फुग्गा वगैरह मिलेगा तो लेकर आएंगे। और देखिए ना मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं बस यही सोच रही कितना जल्दी मैं बना लूँ जूड़ा, वो ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ऐसे बना लूँ अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि आज शाम का वीडियो आप लोग को कल आएगा, यानी कि बर्थडे पार्टी, बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किए, बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ नहीं पता है, कोरोना है और एक तो बारिश का सीजन आ गया है तो और तेज़ी से फैल रहा है, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, बस घर में हम जितने फैमिली है इतने के ही साथ करेंगे बर्थडे। और सोचा तो बहुत कुछ था पर कुछ भी नहीं हो रहा है ये कोरोना की वजह से, और सब कुछ सही सलामत रहेगा तो अगले साल अच्छे से करेंगे। तो बस चलिए फ्रेंड्स
मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बर्थडे केक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, और मेरी बेटी को विश करना मत भूलिएगा। चलिए बाय।